हेलो दोस्तों, मैं परवेज, माय हिंदी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल के टॉप 15 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, आज की लिस्ट में कौन कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर जो दोस्तों टिप्स आता है वो है स्टॉप वॉच। तो दोस्तों, आपने स्टॉप वॉच के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आप कुछ काउंट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और आपको वो एक या दो मिनट के अंदर करना है तो आप स्टॉप वॉच के यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप स्टॉप वॉच को गूगल पर ही यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर सर्च करना होगा सेट टाइमर फॉर, जो टाइम आप सेट करना चाहते हैं, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, उसके बाद दोस्तों आपको मिनट लिखना है इस तरह, उसके बाद एंटर करना है। तो दोस्तों, आपका स्टॉप वॉच दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच दोस्तों चालू हो गया है। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं, अब रीसेट कर सकते हैं, आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप गूगल को स्टॉप वॉच के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों हिडन ट्रिक्स है वो है कि अगर आपको जानना है कि आज कितने बजे सूर्य उठा था, आपको पता करना है, तो दोस्तों सिंपली आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए सनराइज, उसके बाद स्पेस इन, ठीक है, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। आप इन के बगल में आप अपना एरिया कोड भी दोस्तों डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी दोस्तों आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6:02 AM में दोस्तों आज जो सूर्य दोस्तों उठा था वो इधर आपको दिखा देगा। तो इस तरह आप दोस्तों ये भी चेक कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों हिडन ट्रिक्स है वो है बैरल रोल। तो दोस्तों, ये जो ट्रिक्स है ये फनी ट्रिक्स है दोस्तों। अगर आप गूगल पर सिंपली सर्च करते हैं डू ए बैरल रोल, तो दोस्तों आपका जो गूगल है दोस्तों ये पेज दोस्तों बिल्कुल दोस्तों उलट पलट हो जाएगा। तो सिंपली आप डू ए बैरल रोल सर्च कर लीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका गूगल है दोस्तों ये कुछ लट जाएगा और दोस्तों ये थोड़ा अलग तरीके से आपको दिखेगा। तो दोस्तों, इसको यूज करके आप अपने दोस्तों के साथ फन कर सकते हैं, ये एक फनी ट्रिक्स है। फोर नंबर पर जो दोस्तों ट्रिक्स आता है वो है कि सर्च ट्रिक्स। अगर आपको कुछ पार्टिकुलर कुछ सर्च करना है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, तो दोस्तों आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है बेस्ट एंड्रॉयड एप्स इन टाइटल, उसके बाद दोस्तों आपको एक डॉट देना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको साल देना होगा या फिर 2017-18 जो आप लिखना चाहते हैं। जिस टाइप का आप एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहते हैं, मूवी सर्च करना चाहते हैं, तो इस तरह अगर आप सर्च करते हैं तो दोस्तों आपको एग्जैक्टली रिजल्ट दोस्तों मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से रिजल्ट दोस्तों आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इससे आपको सर्च करने में दोस्तों और भी फायदा होगा और आपको इंटरेस्टिंग दोस्तों रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फाइव नंबर पर जो दोस्तों हिडन ट्रिक्स आता है वो है गूगल न्यूज़पेपर। तो दोस्तों, शायद आपको नहीं पता है कि गूगल के अंदर भी एक न्यूज़पेपर होता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको बहुत सारा ओल्ड न्यूज़ दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन इस प्रॉब्लम एक है कि ये 2010 के बाद दोस्तों ये गूगल न्यूज़ पर कुछ भी अपडेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, 2000 के आगे जितना भी साल का दोस्तों अगर आपको न्यूज़पेपर चाहिए तो दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसलिए सिंपली दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करना होगा गूगल न्यूज़पेपर कलेक्शन, तो दोस्तों आप सिंपली आपको मिल जाएगा इस तरह गूगल न्यूज़पेपर आर्काइव। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने एक और वेबसाइट दोस्तों ओपन हो जाएगा, जिस पर दोस्तों आपको A to ZY तक आपको न्यूज़पेपर दोस्तों मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इधर आपको हजारों न्यूज़पेपर मिल जाएगा, जो जिस डेट का न्यूज़पेपर आपको देखना है आप उस तरह सर्च करके उस पर क्लिक करके दोस्तों आप उस न्यूज़पेपर को देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप गूगल न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आपको ओल्ड न्यूज़पेपर की ज़रूरत है, कुछ न्यूज़ वगैरह चाहिए। तो छः नंबर पर जो दोस्तों ट्रिक्स आता है ये भी थोड़ा फनी ट्रिक्स है दोस्तों। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना होगा ASKEW, ठीक है। इसको आप सर्च करने के बाद एंटर बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका गूगल जो है दोस्तों थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सर्च बॉक्स थोड़ा टेढ़ा होकर दोस्तों इधर आ चुका है। तो दोस्तों, ये एक फनी ट्रिक्स है, शायद आपको ये नहीं पता था। तो दोस्तों, इसको आप यूज करके अपने दोस्तों के साथ फन कर सकते हैं। 7 नंबर पर जो दोस्तों ट्रिक्स आता है ये शायद काफी लोगों को पता है, ये एक गूगल गेम है जिसका नाम है पैकमैन। तो दोस्तों, आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं गूगल पैकमैन, तो दोस्तों आपको गूगल का एक गेम दोस्तों आपके सामने इस तरह आ जाएगा, जिसको आप इजी
तरीके से क्लिक टू प्ले बटन पर क्लिक करके खेल सकते हैं। ये जो गेम है दोस्तों ये 1980 में दोस्तों रिलीज हुआ था 22 मई को, ठीक है। तो ये बहुत पुराना एक गेम है दोस्तों और इसको दोस्तों आप बढ़िया तरीके से दोस्तों खेल सकते हैं, जिसके अंदर गूगल लिखा है। और आप इसको अगर प्ले करते हैं तो आपका सामने दोस्तों इस तरह एक गूगल का गेम ओपन हो जाएगा, जिस पर आपको कुछ बॉल वगैरह मिलेगा। तो दोस्तों आप इस तरह दोस्तों गेम को दोस्तों खेल सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। 8 नंबर पर जो दोस्तों ट्रिक्स आता है वो है कि अगर आपको कोई डिस्टेंस का माप करना है, यानी कि दोस्तों अगर आपको पता करना है कि मुंबई से दिल्ली कितना डिस्टेंस है, ये वगैरह अगर आपको पता करना है तो सिंपली दोस्तों आप गूगल पर सर्च कर लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, या फिर दोस्तों मुंबई टू दिल्ली, जहाँ आपको जाना है वो आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद एंटर बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपको दोस्तों मुंबई टू कलकत्ता आप जो सर्च करेंगे दोस्तों आपको वो मिल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, कितना किमी है वगैरह वगैरह। दोस्तों आपको मैप भी दोस्तों दिखा देगा कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ क्या है, सब कुछ देखिए दोस्तों इधर आपको बता रहा है कि ये कितना किमी है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपको दिखा देगा। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी जगह का दोस्तों डिस्टेंस पता कर सकते हैं गूगल पर। 9 नंबर पर दोस्तों ट्रिक्स आता है वो है कि अगर आपको कोई नज़दीकी रेस्टोरेंट चाहिए, रेस्टोरेंट की खोज चाहिए, तो दोस्तों आप वो भी गूगल से पता लगा सकते हैं। इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको गूगल सर्च पर टाइप करना होगा रेस्टोरेंट्स नियर मी। तो जब भी आप ये टाइप करके एंटर बटन पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो दोस्तों आपके नियर में, आपके नज़दीक में जितना भी रेस्टोरेंट है दोस्तों आपको मैप में बता देगा, उसका नाम बता देगा, आपको कहाँ कि किस तरह जाना होगा दोस्तों आपको वो भी बता देगा, वो रेस्टोरेंट में आपको क्या क्या मिल रहा है वो सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये पहले से नहीं पता था तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। 10 नंबर पर जो दोस्तों ट्रिक्स आता है वो है आईपी एड्रेस। तो दोस्तों आपको तो पता ही है हर एक डिवाइस के एक आईपी एड्रेस होता है, चाहे वो आपके नेटवर्क का है, कंप्यूटर का हो, दोस्तों उसका आईपी एड्रेस होता है। अगर आप अपने आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं, अगर आपको पता करना है कि आपके आईपी एड्रेस क्या है, तो सिंपली आप गूगल पर जाकर लिखिए आईपी एड्रेस, उसके बाद सर्च कर लीजिए, तो दोस्तों आपको अपना आईपी एड्रेस दोस्तों मिल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपने डिवाइसेस के आईपी एड्रेस पता लगा सकते हैं। 11 नंबर पर जो ट्रिक्स आता है ये दोस्तों एक अलग सा वेबसाइट है, लेकिन दोस्तों ये भी गूगल का ही है। तो दोस्तों इसका नाम है स्टार्ट पेज। तो दोस्तों अगर आपको प्राइवेट तरीके से कुछ सर्च करना है, आपको हिडन होकर कुछ सर्च करना है, तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यू टैब ओपन कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली जाना है startpage.com पर। तो जब भी दोस्तों आप startpage.com पर जाएंगे तो दोस्तों आपका सामने एक अलग सा वेबसाइट ओपन हो जाएगा startpage नाम का। तो देखिए दोस्तों ये गूगल का है, इस पर आप देखिए द वर्ल्ड मोस्ट प्राइवेट सर्च इंजिन। तो दोस्तों एक प्राइवेट सर्च इंजिन है दोस्तों, तो इसमें आपका कोई भी हिस्ट्री वगैरह नहीं रहेगा, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप प्राइवेट तरीके से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो। 12 नंबर पर जो ट्रिक्स आता है वो है कि नंबर से वर्ड में कन्वर्ट। दोस्तों अगर आपको किसी नंबर से वर्ड को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपको कोई वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, किसी नंबर का मीनिंग पता नहीं है, तो दोस्तों अगर आपको वो पता करना है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता करना है कि 1,053.5 वर्ड में क्या होता है, तो दोस्तों आप सिंपली अपना वर्ड इस तरह टाइप कर लीजिए, नंबर को अपना टाइप कर लीजिए, उसके बाद 2 ऐड कर दीजिए, उसके बाद वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह आपको बता देगा कि 1,535 दोस्तों ये जो नंबर है दोस्तों, इसका वर्ड में मीनिंग दोस्तों वर्ड है ये दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप पता लगा सकते हैं। 13 नंबर पर जो ट्रिक आता है वो है वर्ल्ड टाइम। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी देश का टाइम जानना है कि उधर कितना बजे हैं अभी, या फिर दोस्तों आपको अगर किसी भी देश का टाइम जानना है, तो आप सिंपली गूगल पर सर्च कर लीजिए टाइमिंग इज यूके, यूएसए, कनाडा, जो जिस जगह का आपको टाइमिंग जानना है दोस्तों आप इस तरह सर्च कर लीजिए टाइमिंग इज, उसके बाद जिस जगह का टाइम आपको जानना है, जिस देश का, जिस कंट्री का आपको टाइम जानना है वो आप सर्च कर दीजिए, उसके बाद आपको सिंपली एंटर पर सर्च करना होगा, तो आपको उस जगह का टाइम दोस्तों आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों यूके का टाइम क्या है वो दोस्तों इधर बता रहा है। तो इस तरह आप किसी भी देश का दोस्तों टाइम जान सकते हैं। 14 नंबर पर जो ट्रिक्स आता है ये दोस्तों एक फनी ट्रिक्स है। दोस्तों अगर आपने क्रिकेट देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा,
किसी भी गेम देखा होगा या खेला होगा तो दोस्तों उसमें टॉस होता है। तो दोस्तों अगर आप गूगल पर भी टॉस करना चाहते हैं, कॉइन टॉस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा फ्लिप ए कॉइन, तो दोस्तों आपका जो कॉइन है दोस्तों वो टॉस होगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह दोस्तों टॉस होगा, ठीक है। तो हेड पड़ा है, आप फिर से कर सकते हैं, इस तरह दोस्तों आप कर सकते हैं। अभी देखिए फिर से दोस्तों ये टेल्स पड़ा है, तो दोस्तों इस तरह आप फ्लिप ए कॉइन लिखकर आप टॉस कर सकते हैं गूगल पर। तो दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग है, अपने दोस्तों के साथ आप इस तरह इसको सर्च करके फनी कर सकते हैं। 15 नंबर यानी कि एंड में दोस्तों जो ट्रिक आता है वो है कि गूगल हिस्ट्री। तो दोस्तों आपने गूगल पर क्या क्या सर्च किया है ओल्ड में या फिर अभी अभी क्या क्या सर्च किया है वो तो ब्राउजर में होता ही है, लेकिन दोस्तों आप गूगल पर सर्च करके भी वो पता लगा सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पर जाकर सर्च करना होगा गूगल हिस्ट्री, उसके बाद आपको एंटर करना होगा तो वेलकम टू माई एक्टिविटी। तो दोस्तों आपको सिंपली वेलकम टू माई एक्टिविटी पर क्लिक करना होगा। जब भी आप वेलकम माई एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों आपने जो जो सर्च किया है दोस्तों ओल्ड में कभी जीत कब कब किया था वो सब कुछ दोस्तों आपको अपने इस एक्टिविटी के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपने हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 15 गूगल का हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल लगा है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।